हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर डाले, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो गाजर को छीलकर अच्छे से धो लिया है। अब हम गाजर को ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। बड़े होल वाले ग्रेटर की सहायता से हम गाजर को ग्रेट करेंगे। तो गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम हलवा बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड गाजर। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और गाजर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और गाजर को ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। बीच में 1 से 2 बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट गाजर को हमने ढककर पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कि गाजर का कलर ऑरेंज हो गया है और गाजर की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप या 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक और ढककर पकाएंगे। बीच बीच में इसे मिक्स करते रहेंगे। 12 से 15 मिनट गाजर को हमने ढककर पका लिया है। बीच में 2 से 3 बार गाजर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और गाजर को लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि गाजर में जो दूध डाला है वह गाढ़ा नहीं हो जाता। तो गाजर को हमें लगातार चलाते रहना है। तो हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमने इसे पका लिया है और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद भी हमें इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि चीनी का सारा पानी सूख नहीं जाता और हलवा गाढ़ा नहीं हो जाता। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर। पनीर डालकर अगर आपने कभी हलवे को ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। 8 से 10 काजू कटे हुए, 10 से 12 बादाम कटी हुई। अब हम अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट इसे और भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो 4 से 5 मिनट हमने इसे और भून लिया है। अब हम लास्ट में डालेंगे 3 से 4 चम्मच दूध की फ्रेश मलाई। फ्रेश मलाई अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। लास्ट में घी या मलाई डालने से इसका कलर चेंज होगा और इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो अब केवल हमें इसे 4 से 5 मिनट और भूनना है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो 4 से 5 मिनट हमने और भून लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हलवा बनकर तैयार है। तो इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी हलवा बनकर तैयार है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से हलवे को काजू और कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।